नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड तूफान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ठाकरे फिल्म के डे 9 के कलेक्शन के बारे में और इसी के साथ मणिकर्णिका के डे 9 के वर्ल्डवाइड और ओवरसीज कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना और अगर आप हमारी चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिल्म ठाकरे के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये फिल्म रिलीज हुए 9 डे हो चुके हैं और इस फिल्म में लीड रोल में हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी वाइफ का रोल करते अमृता राव देखने को मिले है। इस फिल्म का जो बजट था वो 30 करोड़ था और दोस्तों इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड टोटल 2000 स्क्रीन में रिलीज किया था और ये फिल्म इंडिया में मराठी और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई है और इस फिल्म को बढ़िया रिव्यू मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो अभी तक ठाकरे फिल्म ने हिंदी में 31 करोड़ का बिजनेस किया है और मराठी में 11 करोड़ का। इसी तरह डे 9 तक का ठाकरे फिल्म का टोटल कलेक्शन होता है 43 करोड़, ओवरसीज का जो कलेक्शन आ रहा है वो 22 करोड़ आ रहा है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 65 करोड़ है और इस फिल्म का जो ग्रॉस कलेक्शन है वो 82 करोड़ होता है। दोस्तों ठाकरे फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई है। तो चलिए दोस्तों अब मणिकर्णिका के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये फिल्म रिलीज हुए 9 डे हो चुके हैं और इस फिल्म में लीड रोल में हमें कंगना रनावत, अंकिता लोखंडे देखने को मिली है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है क्रिश ने और इसकी स्टोरी लिखी है केवी विजेंद्र प्रसाद ने। दोस्तों इस फिल्म का जो बजट है वो 125 करोड़ बताया जा रहा है और ये फिल्म इंडिया में 3 लैंग्वेज में रिलीज हुई है, हिंदी, तमिल और तेलुगु। इस फिल्म की जो स्क्रीन काउंट है वो 3000 है इंडिया में और ओवरसीज में 700 स्क्रीन काउंट है। इस फिल्म को बढ़िया रिव्यू मिले हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो अब तक मणिकर्णिका ने इंडिया में 71 करोड़ का बिजनेस कर लिया है और इस फिल्म ने ओवरसीज में 27 करोड़ का बिजनेस किया है। इसी तरह इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन होता है 98 करोड़ और इस फिल्म का जो ग्रॉस कलेक्शन आ रहा है दोस्तों वो 131 करोड़ आ रहा है, 131 करोड़। दोस्तों इस फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 150 करोड़ की जरूरत है जो कि ये आसानी से कर पाएगी। दोस्तों ये दोनों फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म पसंद आई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।